वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार की गोभी वाली सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने गोभी काट के रख ली है। ये मैंने आधा किलो गोभी ली है, इसको मैंने इतना सुबह उठे पीसेस में काट लिया है। आलू अभी मैंने सिर्फ छील के रखे हैं, उनकी कटिंग नहीं की है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मजेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। इसमें मैं डालूंगी कुछ गर्म मसाले भी। इसमें मैं एक बड़ी इलायची और 4 से 5 अदरक लौंग डालूंगी। बड़ी इलायची को मैं बीच में से खोल के उसमें डाल रही हूँ। चार से पांच टेबल स्पून से हमें पहले हम ऑयल लेंगे। उसमें मैंने एक छोटे साइज की प्याज है, इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। 4 अदरक लौंग और 1 बड़ी इलायची। अच्छा, गरम मसाले जो मैंने शामिल किए हैं, बड़ी इलायची लौंग, इसको शामिल करने का मकसद ये है कि गोभी में से एक हल्की सी जो है स्मेल सी आती है, वो स्मेल मुझे नहीं होती है, लेकिन बाद लोग उसकी वजह से जो है गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप इसमें ये गर्म मसाले डाल के शामिल करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी टेस्ट की आपकी गोभी आलू जो है बन के तैयार होगी। अब हम प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा शामिल कर रहे हैं, सफेद जीरा। प्याज को हम थोड़ी देर तक और मजीद फ्राई करेंगे। किनारों से ये गोल्डन होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी देर हमने इसको और फ्राई करना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के बिस्मिल्लाह हमारा। अच्छा, अदरक की मिकदार हमने इसमें ज्यादा रखनी है, क्योंकि जो भी आपको पता है बाजी सब्जी होती है तो अदरक से जो है ये सिर्फ बाजी का मिक्सर खत्म हो जाता है। साथ ही इसमें जो मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के, उनका पेस्ट बना लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब कुछ देसी मसाले जाएंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल किसी मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें लाल किसी मिर्च भी डालेंगे जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। बस ये कुछ बेसिक से मसाले हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, असल काम है उसकी बुनाई का। तो ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुनने की तरफ है। मैं इसको 5 से 7 मिनट तक थोड़े से पानी का छीटा लगा के जो है मजीद इसको भूना है। और ये देखें बहुत अच्छी सी अभी तक खुशबू आ रही है इसमें से, और थोड़ा सा हम इसको और जो है भूनेंगे। इसमें टमाटर के कुछ चम्प से आ रहे हैं, मैंने पीसे हैं तो उसमें पीसे नहीं थे, तो उनको भी मैंने अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने के बाद इस तरह मैच कर लिया है, ताकि वो टमाटर पीसने वाले ही आए, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें गोभी आलू शामिल कर देंगे। गोभी के फिर मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने छोटे छोटे काटे हैं, और आलू भी इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस की सूरत में काटे हैं। मैंने अब यह हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू मैंने इसमें 1 पाव लिया, गोभी 1/2 किलो। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करके भूनेंगे मसाले के साथ गोभी आलू को। अच्छा, बाद लोग गोभी के फूल पूरे शामिल करते हैं, साबुत ही रखते हैं, लेकिन मैंने इसकी कटिंग छोटी की है, क्योंकि मैं इसको ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ, थोड़ी भुनी थी और ये बनती है गोभी आलू की सब्जी इस तरह की। तो ये देखें गोभी के और आलू का हमने मसाले के साथ भून लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1 प्याज के करीब, इससे ज्यादा हम इसमें पानी नहीं शामिल करूंगी, क्योंकि गोभी जो है सब्जियां खुद भी पानी रिलीज करती है। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, जिससे हमारे आलू भी गल जाएंगे और गोभी भी गल के तैयार हो जाएगी। ये देखिए गोभी आलू को हमारे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतने टाइमिंग में जो पानी इसमें डाला था हमने उसमें ये गल चुके हैं। देखिए आप आराम से आलू भी और गोभी भी, गोभी की तो हमने कटिंग ही बहुत छोटी छोटी की थी इस वजह से भी, अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब पिसा गरम मसाला भी डालूंगी। जी हाँ, क्योंकि जो ढाबा स्टाइल जो है आलू गोभी बनता है उसमें गरम मसाला होता है, तो उसकी खुशबू ही बिल्कुल डिफरेंट होती है और टेस्ट भी। ये हम इसमें शामिल करेंगे, साथ ही इसमें जाएगी बारीक कटी हुई अदरक, ये इसको टेस्ट और बढ़ा देती है और फायदेमंद भी होती है वो। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची जाएंगी 2 से 3 और हरा धनिया इसमें ढेर सारा हम शामिल करेंगे। तो ये आपने देखा कितने मज़ेदार से हमारा आलू गोभी बन के तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हे को बंद करके इसको मिक्स कर दूंगी और आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बेहतरीन से गोभी आलू की सब्जी आपके सामने बन के तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। आप बनाएं, आपको लाजमी पसंद आने वाली है। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।